12 स्टेट और दो पारा मिलिट्री मेहरबान एन सी ओ एस आई जो रिपोर्टिंग अभी तक हो गया है। तो अभी प्लेयर टोटल पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 478 ऐसा आ रहा है अभी तक का, और जितना ऑफिशियल लेवल भी पहुँच गया तो पूरा सब कुछ तो मिलाने का बाद ऑलमोस्ट 600 हमारा। होस्ट स्टेट होने का साथ साथ हम लोग अरुणाचल पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं इसमें, तो अरुणाचल का टीम का कैसे अपडेट है अभी तक? अरुणाचल टीम अपडेट ऐसा है कि उन लोगों को कोचिंग के हम लोग ने दिया, तो उस कोचिंग के ऑलमोस्ट 30 डेज कम्प्लीट होने के बाद में पर्टिकुलर इस चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि हम लोग अरुणाचल होस्ट कर रहे हैं उसी के लिए हमने एक कोचिंग कैंप हम लोग ने ये ऑर्गेनाइज किया था, तो फिर अभी खत्म होकर उनमें से प्लेयर लोग आ गया है, तो उन लोग को होप करता है कि परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, उसका बाद में प्लेयर लोग भी बहुत एनर्जेटिक है और अच्छा परफॉर्मेंस लेके आएंगे। ये खेलो इंडिया स्टेडियम भी इतना अच्छा है, हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं इसमें, तो आप पब्लिक को क्या अपील करना चाहेंगे, खास करके जो कैपिटल एरिया का पब्लिक है उसको क्या अपील करना चाहेंगे? ये स्टेडियम का बात आपने जो जिक्र किया है मुझे, तो जब 2021 उसमें हम लोग का किरण रिजिजू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, तो आई थिंक उसका समय में ये इनिशिएटिव लिया होगा और उसका कारण आज हम लोग को मिला है, और मेरे हिसाब से ये लिया होगा नहीं लिया ही है, और खेलो इंडिया को जितना हो सके इंडिया में नेशन में किरण रिजिजू ऑनरेबल एमपी सर ने मिनिस्टर सर ने वो बहुत अच्छा से इनिशिएट किया था उस समय में, तो साथ ही साथ हम लोग का इसमें अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन का जो जनरल सेक्रेटरी है बावांग तबो सर, उन लोग का भी इनिशिएटिव है, देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने इसको बहुत अच्छा बहुत सुंदर से इसको एग्जीक्यूट किया है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये एसेट है, ये आने वाले दिन में यहाँ हम लोग सीनियर नेशनल जो भी नेशनल हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग कहीं भी मीटिंग में जाएगा तो हम लोग नेशनल लेगा बोल के बात कर सकते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इसको अच्छा से एग्जीक्यूशन किया है, तो उसको हम डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को भी आज आपका मीडिया का आपका माध्यम का थ्रू से ये इतना बोलता है डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, एटलीस्ट अब ये एसेट बनाने का कारण आज हम लोग नेशनल होस्ट करने का मौका मिला है, और हम लोग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण रिजिजू सर है उनको भी तहे दिल से अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि इस टाइप का होल इंडोर स्टेडियम इनिशिएटिव लिया है, और हम लोग का ऑनरेबल सीएम सर है जो यंग एंड डायनामिक है, तो उसको भी ये सब स्कीम अरुणाचल में वो खुद ये एक जवान मतलब वो खुद एक यंग है तो एनर्जेटिक है तो स्पोर्ट्स को समझता है, तो हम लोग एक फीलिंग को समझ के वो इस तरह का इनिशिएटिव लेके अभी तो हम लोग सुनने में आए बहुत इंडोर में मतलब इंटीरियर में भी बहुत बहुत सारा हॉल बनाया है, तो आने वाला दिन में इंटीरियर जहाँ जहाँ हॉल बनाया है जैसे कि केने में बनाया कहाँ कहाँ में बनाया रागा में बना रहे हैं, तो ऐसे आने वाला दिन में ऐसा ही हॉल अगर और इनिशिएटिव लेके और बनाएगा तो आने वाले दिन में हम लोग का अरुणाचल से ओलंपिक दूर नहीं है हमारे लिए, और इस टाइप का हॉल अगर अपील का थ्रू से हमको अपील बोलना है बोलने से मेरे हिसाब से मैं इतना ही गवर्नमेंट को अपील करूँगा कि ऐसा हॉल इतना जो इतना बड़ा हॉल या इतना अगर बनाया है तो ऐसा ही हॉल नाहरलगन में भी ज़रूरी है आने वाले दिन में, और विदिन परफॉर्म पार्क में भी ज़रूरी है, क्योंकि विदिन कैपिटल कॉम्प्लेक्स का आसपास में नियर बाई में होने से सबके लिए अच्छा होगा, और सब हर एक स्पोर्ट्स के लिए जूडो के लिए हो गया कराटे के लिए हो गया बॉक्सिंग के लिए हो गया वेट लिफ्टिंग के लिए हो गया बैडमिंटन के लिए हो गया टेबल टेनिस के लिए हम लोग सब के लिए जितने स्पोर्ट्स स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है हम लोग को नेशनल होस्ट करने में और बाहर का प्लेयर जब यहाँ आके खेलेगा तो हम लोग का प्लेयर का एक्सपीरियंस बनेगा ऐसा है, तो यहाँ जैसे कि बैडमिंटन हॉल भी बहुत सारा है, तो आने वाला दिन में अभी हम लोग का बैडमिंटन का बहुत अच्छा खुश खबर मिला है जो जर्नल में जो अचीवमेंट लाया है, तो बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम लोग स्टेट के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग बहुत प्राउड है उसके लिए, तो उसी हिसाब से आने वाला दिन में अलग स्पोर्ट्स का जैसे कि ताइक्वांडो का भी है ताइक्वांडो का हॉल बनाइए आप लोग स्पोर्ट्स जूडो का हॉल कराटे का हॉल किक बॉक्सिंग का हॉल इस टाइप का हॉल अगर आप लोग बनाएगा गवर्नमेंट लोग तो हम लोग भी हम लोग को अगर एक एक हॉल अगर इंडिपेंडेंटली मिलेगा तो हम लोग अच्छा अच्छा प्लेयर हम लोग निकल सकता है, ये हम लोग का पास में अभी हम लोग का जो प्लेयर है हम लोग का यहाँ का जो लड़का लोग है बच्चा लोग है प्लेयर्स लोग है उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन उसको ट्रेनिंग का अच्छा जगह नहीं है उसका कारण हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है। पब्लिक को कैसे इन्वाइट करना चाहेंगे क्योंकि बैठने का भी देख रहे हैं अच्छा प्रावधान है इसमें? यहाँ आप देख सकते हैं पब्लिक तो हमें कम से कम 1500 सीट कैपेसिटी है, तो यहाँ का जितना भी ईटानगर ये पर्टिकुलरली ये जगह जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का सामने में है और जस्ट अपोजिट ये पार्किंग प्लाजा का ये अपोजिट में है जो डायरेक्ट एजुकेशन का अपोजिट में है और ये सिविल सेक्रेटरीट का जस्ट ऊपर में है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ का जितना भी आसपास का जितना लोग है तो आप लोग भी आके विटनेस कीजिए, और सिर्फ ईटानगर का नहीं है नाहरलगन का भी आइए नीरजुली का भी आइए दोईमुख का भी आइए या संतोष पोता जोतर पम्मा बालीजन का है
और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा पहले हमने देखा है लखीमपुर से भी बहुत लोग आया है ये गेम को विटनेस के लिए। वो लोग सोचा है कि आज होगा लेकिन गेम जो है कल से है। तो आप सोच के देखिए लखीमपुर से आना, तेजपुर से आना, तो कहीं ना कहीं हम लोग आसपास भी आके देखना है, देख के अपना बच्चा को सही ढंग से मोटिवेट करना है, सही ढंग से उसको गाइड करना है। और बच्चा को यहाँ आके ला के आप दिखाएगा तो बच्चा लोग को बहुत इंकरेजमेंट भी होगा। अभी का क्या स्थिति से कहाँ कहाँ का टीम पहुँच गया और कल का, जैसे कि कल से शुरू होगा आप लोग का ये खेल, जो अभी तक का प्रिपरेशन कैसे है? हम लोग का तो टीम तो पूरा आ गया है हम लोगों का, और हम लोग का फुल प्रिपरेशन हो चुका है। और आप लोग देख ही रहा होगा यहाँ बच्चे लोग भी पूरा आके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो सब स्थित यहाँ पहुँच चुका है और आज शाम से उन लोगों का अभी वेट लेना शुरू हो गया है, तो पूरा आया है। और हम लोग का यहाँ पे जितना देखने के लिए ये सब गर्ल्स का वुमेन्स लीग हो रहा है, ये हम लोग का लिए भी बहुत प्राउड का बात है। और हम लोगों का अरुणाचल एसोसिएशन का द्वारा हम लोगों को एक हम लोग फीमेल एथलीट सीनियर का नाते हम लोगों को ये मौका दिया कि हम ऑर्गेनाइज कर सकें ये गेम को। तो मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन बनाया है और इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आटा का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें ये लाइक समझा है कि हम लोग ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सके। और हम लोग यहाँ में एक ये लड़की का जितना वुमेन्स का गेम है, इसलिए उन लोगों को सेफ्टी को नज़र रखते हुए हम लोग अरुणाचल हम लोग का जो कैपिटल पुलिस में भी हम लोग ऑलरेडी लेटर सबमिट किया है और उन लोगों की तरफ से भी हम लोगों को ओके दिया है। और हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पुलिस भी दिया जाएगा और साथ में हम लोग कैपिटल डीसी भी परमिशन दे दिया है। और उसके साथ साथ में हम लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बहुत इनकरेज कर रहा है और मोटिवेट कर रहा है और पूरा हम लोग को सपोर्ट करेगा बोल के हम लोगों को एश्योरेंस भी दिया है। और टोटल जितना पार्टिसिपेंट हुआ है आज, जैसे कि रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, अभी तक चल भी रहा है शायद, तो क्या मैसेज रहेगा आपका खास करके प्लेयर्स के लिए? जी, तो यही मैसेज रहेगा हम लोगों की जितना सके हम लोग यहाँ में जो दूर से आया है, हम लोग प्रदेश में जो बाहर से हम लोगों का, हम लोग भी फुल सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ में ऑलमोस्ट पूरा टीम है और साथ में यहाँ में 200-300 जैसे एथलीट आ चुका है ना, तो हम लोग वही है जितना सकेंगे उन लोगों को भी हम लोग यहाँ सपोर्ट करेंगे, उन लोगों को इनकरेज करेंगे, उन लोगों का हर एक चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के करेंगे, उन लोगों को कुछ भी तकलीफ होने नहीं देंगे हम लोग का यहाँ में। हम लोग ये जो खेलो इंडिया वुमेंस लीग है अस्मिता सेकेंड फेज, इसका द्वारा हम अरुणाचल के जितना भी वुमेंस है उन लोगों को भी इनकरेज करना चाहता है, आप लोग भी आगे आइए स्पोर्ट्स में ज्वाइन कीजिए ना। आप लोगों को हम लोग भी मैसेज देना चाहता है और हम लोगों को इस बार यहाँ में मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से इतना अच्छा मौका दिया है वुमेंस लीग एक करने के लिए, इसके द्वारा हम लोग भी चाहते हैं हमको अरुणाचल का जितना लड़की लोग है वो लोग भी आगे आए खेल में भाग लें, इसका द्वारा हम ये मैसेज देना चाहता है हम लोगों का जितना भी अरुणाचली फीमेल एथलीट्स के लिए ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं। और मैडम, जैसे कि टूरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ का प्लेयर्स जो है बहुत बाहर से आया है, तो अभी का हम लोग का यहाँ का जो भी पब्लिक है आसपास का, क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए और जो भी प्लेयर्स आया है बाहर से उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका तरफ से? एग्जैक्टली, टूरिज्म के लिए एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है, एक्सपोजर है, बिकॉज फ्रॉम 15 स्टेट्स एवरी प्लेयर्स केम फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस, ये उनको देखने को मौका मिलेगा हमारे अरुणाचल में आके। वी हैव एन नंबर ऑफ ट्राइब्स और इनका कल्चर अलग, रिलीजन, सो इस बेसिस पे हमने कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है ताकि उनको पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं और ट्राइब्स है जो ट्रेडिशनल कल्चर है। एंड इस बेसिस पे हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट भी मोटिवेट कर रहे हैं कि इनका जितना टूरिज्म वो है बूस्ट के लिए इनका कुछ मदद भी करेंगे बोल के। एंड और जहाँ तक है हमारा फीमेल का जो एथलीट्स अभी लीग चलेंगे, ये इसीलिए भी वो है जो डिस्ट्रिक्ट्स के जितने फीमेल गर्ल है वो यहाँ पे जब अपना परफॉर्म करेंगे, जो लोग छूट जाते हैं कि वो दूसरे स्टेट्स में जाके नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे अपना परफॉर्म करने का मौका उनको मिलेगा। एंड जो अदर स्टेट से भी जो भी आ रहे हैं वो भी एक इंटरेक्शन हो जाएंगे। और इसके अलावा ये स्टेट्स में हमारा जो है जो स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी एक डेवलपिंग लेके आएंगे, तो इसके लिए हम धन्यवाद चाहेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो आगे भी हम उनका फ्यूचर कोलैबोरेशंस हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं।